हेलो इंटरनेट, मैं हूं अभिषेक। और इलोन मस्क दुनिया के सबसे रिच पर्सन जिनके बेल्ट के नीचे टेस्ला, ट्विटर, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी और सोलर सिटी जैसे बड़ी बड़ी इनोवेटिव कंपनीज हैं। अब उनका ध्यान एक और चमकती हुई चीज की तरफ जा रहा है और वो है एआई चैट टूल जैसे कि चैट जीपीटी। और अब इलोन मस्क भी चैट जीपीटी जैसा ही कुछ और बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन आखिर ये चैट जीपीटी के जैसा होगा या उससे भी बेहतर होगा, आइए हम बात करते हैं आज इसी टॉपिक पे। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इलोन मस्क इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द चैट जीपीटी जैसा एक एआई चैटबॉट बनाया जाए और उसको चैट जीपीटी के कंपटीशन में उतारा जाए। इसके लिए इलोन मस्क ने अभी से अपने हाथ पैर फटकारना शुरू कर दिया है और इंडस्ट्री के सबसे ब्राइटेस्ट माइंड जो कि एआई के फील्ड में है उनसे बातचीत भी करनी शुरू कर दी है। गूगल ने डीप माइंड नाम की एक बहुत बड़ी एआई कंपनी को एक्वायर किया था और उसी कंपनी के एक ब्राइट माइंड डेवलपर स्पेशलिस्ट हैं इगोर बाबुश्किन, जिन्होंने बीते सालों में एआई में काफी काम किया है। और इलोन मस्क इन्हीं से बात कर रहे हैं ताकि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी कंपनी शुरू की जाए और जल्दी से चैट जीपीटी जैसा एक टूल बनाया जाए और मार्केट में लॉन्च किया जाए। लेकिन इगोर बाबुश्किन के अनुसार अभी तक कोई भी बात फाइनल नहीं हुई है, कोई भी प्लान पे डिसीजन नहीं लिया गया है और अभी तक कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट नहीं हुआ है जिसके ऊपर बात की जा सके। जिस तरह से इलोन मस्क ओपन एआई से कंपटीशन लड़ने की सोच रहे हैं, जिस तरीके से वो चैट जीपीटी की कई बार तारीफ भी करते हैं और समय समय पर उसे क्रिटिसाइज करने की भी कोशिश करते हैं, स्पेस फील्ड में स्पेस एक्स की तरह उन्होंने धमाका किया, उसी तरीके से एआई की फील्ड में भी वो कुछ नया करने वाले हैं, कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। लेकिन आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि ओपन एआई जिस कंपनी से कंपटीशन लड़ने की बात इलोन मस्क करते हैं, वही ओपन एआई कंपनी इलोन मस्क ने ही शुरू की थी और वो भी 2015 में। इलोन मस्क ने काफी पैसा भी लगाया था इसमें, काफी एनर्जी भी लगाई थी और इस कंपनी का नाम भी इलोन मस्क ने ही रखा था जिसको ओपन एआई कहते हैं। इलोन ने जब ये कंपनी शुरू की थी तो इलोन का प्लान था कि ये कंपनी एक नॉन प्रॉफिट ओपन फॉर ऑल ओपन सोर्स कंपनी होगी, इसलिए इसका नाम ओपन एआई पड़ा था। और इलोन ने पैशनेटली इसमें खूब पैसा और एनर्जी भी लगाया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद में इस कंपनी ने कुछ ऐसा किया जो कि इलोन को पसंद नहीं आया और वो अपने बेसिक प्रिंसिपल्स या फिलोसॉफी या बेसिक वैल्यूज से भटकना शुरू कर दिया उस कंपनी ने। सैम ऑल्टमैन, जिन्होंने इलोन मस्क के साथ में इस कंपनी को शुरू किया था, उन्होंने इस कंपनी को बाद में ओपन सोर्स से क्लोज्ड सोर्स कंपनी बनाना शुरू कर दिया और वो इस कंपनी से प्रॉफिट बनाने की बात भी कर रहे थे। तो इलोन मस्क ने इस कंपनी से अपने हाथ पीछे खींच लिए और ओपन एआई से बिल्कुल अलग हो गए और बाद में उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबरशिप से भी रिजाइन कर दिया था। अब लेकिन इलोन मस्क फिर से एआई के फील्ड में आना चाहते हैं और चैट जीपीटी जैसा कुछ नया बनाना चाहते हैं। खैर, जो भी हो, जितना ज्यादा कॉम्पिटिशन मार्केट में होगा पब्लिक के लिए उतना ही अच्छा प्रोडक्ट निकल के सामने आएगा, जो कि चिप भी होगा, ईजी टू एक्सेस होगा और मार्केट में सभी के लिए अवेलेबल भी होगा। सो फ्रेंड्स, आपके हिसाब से इलोन मस्क को अपने चैट जीपीटी जैसे टूल में क्या क्या नए फीचर डालने चाहिए? क्या वो बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा होना चाहिए या चैट जीपीटी से बेहतर होना चाहिए? अपने वैल्यूएबल थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।